अपनी दुल्हन की खैर मना। बीनू को इससे इश्क हो गया है। इश्क कोई भी करे, दुल्हन तो मेरी ही रहेगी। पानी कहाँ से आया? यरमा ने कहा जिस पानी से बर्तन धो उसको फेंको नहीं, हम उससे फूल खिलाएंगे। जोर से मार। हाँ, ताकत लगा, जोर से। काकू से मेरी शादी की वजह भी बाबा की जिद थी कि लोहारों की बेटी है, लोहारों में ही जाएगी। औरत माँ बनने लगे तो इतनी सुंदर हो जाती है। मुझे पता है तू मुझसे क्या सवाल करना चाहती है। क्या सवाल? यही, मेरे बच्चे क्यों नहीं है। मेरे बाबा ने भी मेरी इसी उम्र में शादी कर दी थी। जो अकल से काम ले ज्वाला जो तुझ पर गुजरी, वो अपनी बेटी को क्यों देना चाहती है? कर सकेगी इंतजार? इंतजार करना तो मेरा काम है, अपने तंदूर पर ना सही यहाँ सही। अच्छा अच्छा, पानी भरकर लाती है ना तो मटके को मुंह तक ना भरा कर। पानी गिरता है, एक एक बूंद सोना है, हिफाजत किया कर। मैं क्या करूँ मम्मा, पानी गिरे तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। बीनू की भी शादी करना है जल्दी। लड़का देख लिया तूने? हाँ, मोमिनाबाद के लोहारों का लड़का है, उन्होंने हाथ मांगा था। तूने हाँ कर दी? कभी तो सिर्फ फूलों की बातें किया करती थी, तब मेरे अंदर फूल खिलते थे, अब कांटे उगते। तेरी ये बंजर जमीन मुझे भी खुश करती जा रही है बंजू। मेरा ख्वाब तो सिर्फ एक बच्चा है, वो भी बुरा नहीं होता। अरे तो हो जाएगा पूरा। याद है मैंने कहा था कि मैं तेरे लिए कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, तो तू समझ ले कि मैंने रास्ता निकाल लिया। सच खाला तेजी? हाँ। तू मुझे उन लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती है? भट्टी की राख में गलाने के लिए मैं तुझ जैसे नहीं बन सकती। जितना जी चाहे रोक ले, मैं सोनू से मिलूंगी। सब्जाजारों में जब औरत के बच्चे ना हो तो वो बंजर कहलाती है, जैसे खुश्क पहाड़ी में उगती हुई कांटेदार झाड़। पंजू ने अगर देख लिया तो उसके दिल में शक पड़ जाएगा। तू मेरे गांव की है, तुझसे मिलने आया हूँ। सब्जाजारों में नदी किनारे रहने वालों को क्या मालूम थर में प्यास क्या होती है, पर छप्पड़ के नीचे से गुजरते हुए कदमों की आवाज मुझे ऐसे लगती है जैसे किसी मर्द के कदमों की आवाज हो। अब तक कहाँ थी? रास्ते में ज्वाल ज्वाला। मंजू, पूछ इससे कौन सा सबक सीख कर आई उस लोहारन से। क्या बक रही है तू? तुझे मैं भट्टी में पिघला कर टके का सिक्का बना दूंगा। पूरे चांद से पहले ही दरमानी गांव आ गई है, उसे चल के मिल लेते हैं। सच खाना तेजी? पहले बीनू को टीलों के पार जाते देखा है, क्या बकवास कर रही है तू? तू अपनी जुबान बंद रख। मैंने उसे आवाज भी दी, बीनू बीनू कहाँ जा रही है?
उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और तेज हो गई। वो चली गई सोनू के साथ, भाग गई तेरी बेटी। बकवास बंद कर, मेरी बेटी भाग नहीं सकती है। तीनू लोहारों के बेटे के साथ बांधना चाहती है। राख में गलाने के लिए मैं तुम जैसे नहीं बन सकती। अम्मा मेरा गला दबा दो, काट दो, मार दो, मुझे भट्टी से नफरत है। मैं अपनी बाजी खुद खेल ली, हार भी गई तो मेरी जीत है, अपनी होने की खुद जिम्मेदार हूं। मैं उन लोहारों के बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही सिखाया था तूने उसको, हैं? यही सिखाया था। उसने तुझसे अपना हक छीना है। हक छीना है या घर की इज्जत को भट्टी में झोंक दिया है? लोहार का काम कर करके तू खुद लोहा बन चुका है। तू संग लगकर झड़ सकता है, लेकिन चोट लगे बगैर मुड़ नहीं सकता। प्यार लोहा नहीं होता। तू जुबान बंद रख अपनी, वरना काट कर फेंक दूंगा। क्या जवाब दूंगा मोमिनाबाद के लोहारों को? चढ़ते चांद की 12 तारीख रखी थी। मैंने तुझे मना किया था। तेरी बच्ची को, की बच्ची को भट्टी में ना डाल, तूने नहीं सुना। तेरी आंखों पर तो लोहे की पत्रियां चढ़ी हुई थी, खोपड़ी में आग भरी हुई थी तेरे। देख देख, आंखें फाड़ कर देख, ये गहना इसी आग की कमाई है। बनवा कर लाया था तेरी बेटी के लिए, मेरी मेहनत पर लात मार कर चली गई तेरी बेटी। तेरी कुछ नहीं लगती, जहेज में लाई थी मैं उसे। जुबान बंद कर। इश्क का भूत चढ़ा है, उतर जाएगा तो लौट आएगी। तू क्यों इस राख बनी औरत को मारता है? चल मेरे डेरे पे, हवा लगेगी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा।
धर्मानी। हाँ तेजी, कैसी हो? ठीक हूँ। ये फुलकरी के साथ कौन है? यर्मा है, फुलकरी की भावज, बंजू की बीवी। हाँ, बरसों पहले सुना था, बंजू की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। 5 साल हो गए हैं। बहादुर बनना पड़ेगा। ख्वाहिश से बड़ी कोई ताकत नहीं होती दरमानी। रात की तारीकी में जब मैं मजार पे दुआ पढ़ती हूँ तो बच्चे की ख्वाहिश लेकर आने वाली औरतें भी उस तारीकी से डर जाती हैं। तुम तो नहीं डरोगी? मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे बच्चा चाहिए। झूठ बोलूँ तो मेरे मुंह में चूंटियाँ भरें, जैसे मरे हुए कुत्ते के मुंह में भरती हैं। पिछली दफा मैंने एक फकीरनी के लिए दुआ पढ़ी थी, तुमसे ज्यादा बंजर थी वो, फिर उसकी कोख में मोहब्बत का सौदा फूटा, उसके 2 बच्चे हुए, तुम्हारे भी बच्चा होगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मेरा बच्चा होगा क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। हर ब्याही औरत को बच्चे चाहिए, लेकिन अगर ना हुए तो क्या फर्क पड़ता है? इंसान खुद सुखी रहे तो काफी है। बच्चे कौन सा माँ का ख्याल रखते हैं? मैं आने वाले कल की बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आज का सोचती हूँ। तुम बूढ़ी हो, अपनी जिंदगी गुजार चुकी, तुम्हें मेरी प्यास की शिद्दत का अंदाजा नहीं हो सकता। मेरे हाथ मेरे बेटे को उठाने के लिए, मेरे बाजू उसको झूला झुलाने के लिए तरस रहे हैं। यर्मा, तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत तो हासिल है। मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। ऐसा मत। बंजू अच्छा आदमी है यर्मा। सब कहते हैं बंजू अच्छा है, बंजू अच्छा है, काश वो अच्छा ना होता। जब भी वो मेरे करीब आता है मुझे ऐसा लगता है जैसे फर्ज निभा रहा हो। मुझसे ज्यादा दिलचस्पी तो उसको अपने डेरे पर जाने की होती है। यर्मा, मैं बेहया बेशरम नहीं हूं, मुझे अपनी जिंदगी बच्चों के बगैर अधूरी लगती है। काश खुद ब खुद ऐसे हो सकता। बच्चा ना होने का दुख तुम्हारे शोहर को भी होगा। बिल्कुल नहीं, उसे कोई दुख नहीं, उसे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये तू क्या कह रही है यर्मा? मैं सच कहती हूँ फुलकरी, मैंने उसकी आंखों में कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं देखी। जो चीज उसे चाहिए नहीं वो मुझे कैसे देगा? लेकिन मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, इज्जत के साथ कोई दूसरा रास्ता नहीं। Thank you.
तुम्हें बच्चा चाहिए? हाँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरे बेटे से शादी कर लो। पंजू को छोड़ दो। पंद्रह दिन हुए इसके बेटे की बीवी बच्चा पैदा करते हुए मर गई। अपनी जुबान बंद करो। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी इज्जत मेरे शौहर की इज्जत होती है। एक लफ्ज ही तुमने आगे बोला तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब हमें चलना चाहिए खाला तेजी, काफी देर हो गई है। पूरे चांद की रात को सूरज ढलते ही आ जाना, देर मत करना। अच्छा। यहाँ क्या कर रही हो? अगर आज मैं तुम पर हाथ उठाऊं तो सारा गांव देखेगा, लेकिन तुम मेरी बीवी हो इसलिए खून के घूंट पीकर रह जाता हूँ। अगर आज मैं चीख उठी तो कब्र के मुर्दे भी मेरी इज्जत की गवाही देने उठाएंगे। अपनी जबान बंद रखो। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं भेड़ों के साथ रहने वाला तुम्हारी मक्कारियों का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजू, अब एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना तुम। तुम्हारी बीवी ने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारी बहन, मेरा यकीन करो। तुम्हें नहीं पता शादी के पहले दिन से मेरे साथ क्या कर रही है। इसकी आंखों में दो नेजे हैं, जब भी मेरी तरफ देखती है मेरे दिल में उतर जाते हैं। तकिए में मुंह देकर ठंडी आहें भरती है, सारी सारी रात खुली आंखों से सोती रहती है ये। खामोश रहो, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बीवी दिन ढले यहाँ से वहाँ फिरती रहे, मैं ये नहीं सह सकता। पत्थर का जिगर चाहिए, मेरे पास नहीं है। पंजू, अब एक लफ्ज आगे मत बोलो। लो मेरा दुपट्टा सूंघ के देखो, इसमें से तुम्हारे घर की खुशबू आती है। सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी अपनी इज्जत का लिहाज है। मैं जान देती हूँ अपनी इज्जत पर, लेकिन तेरी तरह रास्ते पर शोर नहीं मचाती। यकीन नहीं आता? मेरा दिल चीर डालो, इसमें किसी दूसरे मर्द का नाम नहीं है। ये बात सिर्फ मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है। क्या हो गया है तुम्हें पंजू? रास्ते में खड़े हो, कुछ तो सोचो। खाला तेजी, तुम बताओ मैं क्या करूं? चार लोग खड़े बातें कर रहे हो, मैं जाता हूं तो चुप हो जाते हैं, क्यों? मुझे किसी दूसरे की परवाह नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं देख सकते सच क्या है? सच? तुम बताओ एक शादीशुदा औरत घर से बाहर क्यों आती जाती है? तुम्हें घर में किस चीज की कमी है? तुम्हारी कमी होती है, तुम नहीं होते हो। दूर रहो मुझसे। मंजू, मेरा हाथ मत झटको। दूर मत हो बंजू, मुझसे नफरत मत करो बंजू। दफा हो जाओ बंजू, मेरा हाथ मत झटको बंजू। मुझसे दूर मत हो बंजू, मुझसे नफरत मत करो। देर हो रही है, घर चलो। बंजू, कोई खैर खबर मिली? नहीं, कितने महीने गुजर गए। इस घर से ब्याह कर जाती तो लौट कर भी आती, यहाँ आती तो झूला झूलती, मैं उसके लिए मीठी रोटियां बनाती। तुझे ऐसे जलते कुटते देखती हूँ तो सीने में हूक उठती है। तू हम सब में नाजुक हुआ करती थी, वो ज्वाला और थी, ये ज्वाला और है बाहिनी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं, मैं सब कुछ भूल गई हूं। उन दिनों को कैसे भूल सकती है तू? झूले में पींग सबसे ऊंची तेरी हुआ करती थी, सबसे तेज तू चला करती थी,
पानी में खड़े होके कपड़े धोती तो पानी घेरे लेने लगता था। अब वो जो छुप छुप कर तुझे देखा करता था, चुप हो जा बहिनी, चुप हो जा, उसका नाम भी मत लेना वरना वरना आग भड़क उठेगी। बीनू, बीनू की याद आती है तो उसकी शक्ल भी आंखों में घूमने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बीनू मुझे अपने साथ ले गई है और अपना आप पीछे छोड़ गई है। हर परछाई में मुझे बीनू नजर आती है, एक अजीब मीठी सी आग है जो ना जलाती है ना ठंडी होती। मुझसे बातें करती जा ज्वाला, दिल हल्का कर ले, सुखी हो जाएगी। तुझे पता है पायनी, जिस दिन बीनू यहां से गई थी उस दिन मैं उसी रास्ते पर गई थी कि शायद कोई निशान मिल जाए। तो रेत में दबी हुई मुझे उसकी वो ज्योतियां मिली जो मैंने उसकी शादी के लिए बनवाई थी। मैं सोचती कुछ हूं होता कुछ है, मैं अपने आप को ढूंढती फिर रही हूं। ये घर मुझे काट खाने को आता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं भट्टी का शोला इतना ऊंचा कर दूं कि सब सब जलकर राख हो जाए, सब जलकर। ये क्या कर रही है? दिखता नहीं तुझे? मुझे सब दिखता है। बुझे हुए लोहे का बूर उड़ उड़ कर तेरे बदन में रच गया है। दिन रात लोहा ढालते ढालते आप लोहा हो गया है तू। क्यों बुझी राख उड़ाती है? ये बुझी राख नहीं है, इसमें अब भी चिंगारियां हैं। जब पीनू यहां थी तो मेरे अंदर दो औरतें बसती थी। पीनू मुझे अपनी दुश्मन लगती थी, मगर अब ऐसा लगता है वो मेरी ही आवाज थी। वो ठीक थी और मैं गलत। उसने मुझे पूरा कर दिया। बीनू, हाँ बीनू मेरा ही रूप थी। तूने उसे डराया, धमकाया,
मारा पीटा। मगर उसने तेरा गुरूर तोड़ दिया। तेरी ये मजाल के मुझसे ये बात कहे तू? खबरदार, खबरदार जो तूने मुझ पर हाथ उठाया। तूने अगर मेरी बात मानी होती तो बीनू इस घर से सोनू के साथ ब्याह कर जाती। मुझे नफरत है तुझसे और तेरी भट्टी से, जिसकी आग हम सबको खा रही है। देख बाहर जाकर कौन आया है। अम्मा, गज्जन चाचा आया। काकू कहाँ है? बाबा तो ऊपर ले गाँव गया, रात तक पलटेगा। मुझे अपनी दरांतियां तेज करवानी थी, ये भट्टी क्यों ठंडी पड़ी? भट्टी तो अब मेरे अंदर चलती है, हर लम्हे सोच पर हथौड़ा पड़ता है। गच्चन, बीनू को की खबर? नमक का बोरा साथ लेकर आया है क्या? नहीं, उसी खबर लाया हूं। सब खैर है? सुखी है अपने घर में। तू क्यों गया था उसके घर खबर लाने? तेरे लिए, तेरी फिक्र कम करने के वास्ते। बड़ी फिक्र है तुझे मेरी। अगर इतनी ही फिक्र थी तो बाबा से मेरा हाथ क्यों नहीं मांगा था तूने? तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर ज्वाला। तू तो जानती है ना, हम सब हारी थे, साईं के गुलाम हारी, जिंदगी भर के मकरूज। तू आती ना तो तुझे भी उनका कहा करना होता, उनकी मर्जी से उनके घर में रहना पड़ता। मुझे इसकी बर्दाश्त ना थी। यहां कम से कम तू आजाद थी। तूने मुझे जान बूझ कर भट्टी में जाने दिया, चलकर राख हो जाने दिया। हाँ, मगर अब ऐसा नहीं। गुलामी खत्म हो गई, रेड़ियां कट चुकी हैं। तुझे ख्याल भी आया गज्जन, तो 20 साल बाद? ख्याल तो हमेशा ही रहा, मगर तब कर्जा था, मैं ऐसा कर नहीं सकता था। ज्वाला, मेरे घर का दरवाजा खुलेगा तो सिर्फ तेरे लिए।